आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में। तो मॉर्निंग का टाइम है फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और उसके बाद देखिए मैंने लंच वगैरह पैक कर दिया बच्चों का। तो आज लंच में बनाई थी सूखी अरबी मैंने, और बस वीडियो स्टार्ट मैंने करी है लंच पैक करने से और ब्रेकफास्ट से, क्योंकि फ्रेंड मेरा ट्राईपॉड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और बड़ी मुश्किल से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड की और मेरी चाय बन गई है, तो अभी चाय दे देती हूँ और फिर मिलते हैं। और अभी किचन का हाल कुछ ऐसा है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया है नाश्ता और बच्चों के लिए लंच वंच, तो किचन का कुछ ऐसा हाल मेरा हो चुका है देखिए। तो यहाँ पे ना मैं हमेशा कपड़ा वगैरह बिछा के रखती हूँ, तो यहाँ मैं रख देती हूँ। अभी थोड़ा सा सेट कर देती हूँ, बस इसको ना मैं ऐसे रख के रखती हूँ, बाद में करूँगी इसको धोऊँगी। तो यहाँ अभी सब कुछ मेरा ऐसे पड़ा हुआ है। तो यहाँ देखिए पीहू हो गया है रेडी और अभी ये जा रहा है। कहाँ पे जा रहे हो आप? स्कूल। स्कूल जा रहा है। तो अभी पीहू खुश होने लग गया स्कूल जाने के नाम से, पहले रोने लग गई थी अभी ठीक है। तो इसको एंजॉय करती है, मज़ा आता है बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी अच्छी पोएम मैम। मैं पीहू को छोड़ के आती हूँ और उसके बाद लगूँगी अपने काम में, अपनी ड्यूटी में। अच्छा, तो पीहू जाती है स्कूल गाड़ी से अभी। तो चलिए फ्रेंड्स अभी चलती हूँ और उसके बाद देखती हूँ, आके काम भी करना है, कपड़े वगैरह वॉश करने हैं। तो अभी गाड़ी आई नहीं है, मैं अपने घर से ही देख लेती हूँ, गाड़ी आ जाएगी तो यहीं पास में ही, उसके बाद छोड़ के आऊँगी। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, फिर धूप में खड़ा होना फ्रेंड्स। मशीन लगा दी है मैंने, तो यहाँ मेरे कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। और अभी तक पीहू की गाड़ी नहीं आई है देखिए, तो पीहू अभी बैठा है यहाँ पर। चलो भाई अब हम जा ले, ठीक है, बाय पीयू, बाय बेटा। आपकी बहन कहाँ है? मेरी बहन घर पे। वो नहीं जा रही? अरे हाँ, ये तो अकेली जाती है ना, वो तो छोटी है अभी, मैं भूल गई थी। चलो भाई, तो यहाँ पे पीहू चली गई है स्कूल और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपनी ड्यूटी पे, अपने काम पे। तो सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह तो हमारा हो ही चुका है फ्रेंड। तो यहाँ बस देखिए, सबसे पहले मैं बेडशीट तय कर लूँगी। और यहाँ पे ना मतलब रात को एसी वगैरह चलाते हैं तो ठंड लगने लगती है, मुझे तो खैर नहीं इतनी लगती, पर माही है वो ज़रूर ओढ़ती है चादर वगैरह। तो यहाँ बस देखिए मैं सबसे पहले चादर तय कर लूँगी और उसके बाद ये पीहू की टी शर्ट है देखिए, ये भी ऐसी बच्ची है ना तो वो ऐसी रख के चली गई है। तो यहाँ पर मैं तकिए वगैरह अच्छे से रख दूँगी, उसके बाद ना इधर वाले जो गद्दा बिछा रखा है उस पर सोते हैं मेरे हस्बैंड जी, तो ये भी उठा दूँगी और चादर वगैरह अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो काफ़ी टाइम के बाद फ्रेंड्स आज मैं अपना व्लॉग बेडरूम से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपना व्लॉग किचन वगैरह से या क्लीनिंग से या उसके बाद बिल्कुल लंच वगैरह से तैयार शूट करती हूँ। तो मन ही नहीं कर रहा था सच बताऊँ तो व्लॉग शूट करने का, क्योंकि क्या है ना मेरा फ़ोन मतलब गिर गिर के ना ऐसा हो गया, बस क्या बताऊँ, क्योंकि ना वो ट्राईपॉड से इतनी बार गिर चुका है, फिर मुझे डर लगता है कहीं गिर ना जाए, मुझे यही रहता है। तो बड़ी मुश्किल से शूटिंग हो पा रही है मेरी। तो यहाँ पे बस मैंने बेडशीट झाड़ दी अच्छे से, और ये ना मैंने फ्रेंड लास्ट डे ही बिछाई थी, तो मैं इसलिए चेंज नहीं कर रही हूँ। और वैसे भी हम खाना वगैरह जो हम नीचे ही खाते हैं, तो ऊपर नहीं खाते, बेड गद्दे वगैरह पर नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे बस देखिए हस्बैंड जी भी थोड़ी सी हेल्प कर दी है चादर बिछाने में। उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में सबसे पहले जो रात के बर्तन होते हैं वॉश करके रखे हुए हैं, उनको मैं अच्छे से लगा दूँगी, सेट कर दूँगी पहले। उसके बाद देखिए करूँगी अपनी किचन क्लीनिंग, बर्तन वगैरह वॉश, और चाय पानी के थोड़े से बर्तन है, ज़्यादा तो है नहीं। तो बस मैंने ना ट्राई फ़ोन वगैरह पता नहीं कैसे कैसे सेट कर रखा है, और उसके बाद मैंने शूटिंग करी है। तो चलिए फ्रेंड्स बने रहिए व्लॉग में, और प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। तो यहाँ बस देखिए मैं बाहर चली गई हूँ चिड़िया वगैरह को खाना देने के लिए, और डॉगी वगैरह को भी डाल दूँगी। तो यहाँ बस देखिए मेरे कपड़े हैं धुल भी चुके हैं और ड्रायर कर दिए मैंने, तो यहाँ पर बस उनको सुखा देती हूँ। और धूप ना मतलब ऐसी हो रही है, कभी तेज़ कभी कम, तो गर्मी हो गई है वैसे तो काफ़ी ज़्यादा वाली अभी, तो एक साथ ही दो दो तीन दिन काम मेरे निबट जाते हैं। तो एक तरफ मैंने मशीन लगा दी है, दूसरी तरफ मैं आ गई हूँ बर्तन वॉश करने के लिए।
तो ज़्यादा बर्तन तो है नहीं, चाय पानी के ही थोड़े से बर्तन है। और यहाँ पे फ्रेंड मैंने लास्ट देखो यहाँ पे ना मेरा फ़ोन गिर चुका है ट्राईपोर्ड पे से, देखिए तो मैंने यहाँ पे एडिट नहीं करी है, मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ, तो फ़ोन मेरा इतनी ज़ोर से गिरा। उसके बाद मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए हैं, फिर लास्ट में फिर से फ़ोन सेट करा है और उसके बाद फिर से शूटिंग करने लग गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना सिंक क्लीन कर दिया अच्छे से, और जब तक क्लीन ना करो ना मज़ा सा नहीं आता सच में। सिंक वगैरह क्लीन हो जाए ना तो बड़ा अच्छा लगता है, किचन एकदम नीट क्लीन हो जाए। और किचन ना मैंने अभी मतलब दो चार दिन पहले साफ़ करी थी अच्छे से काउंटर टॉप, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गंदा सा लगने लगा था और वाइट है, तो मुझे 1 वीक में 15 डेज में करना ही पड़ता है, तो उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ोन गिरे जा रहा था। तो वहाँ देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पर ना एक मोर रोज़ डेली नाचता है, रोज़ डेली। और काफ़ी ज़्यादा जूम करके दिखा रही हूँ तो ब्लर आ रहा है, तो घर से थोड़ी दूरी पे नाच रहा है देखिए। और भी बहुत सारे मोर घूम रहे हैं वहाँ पे, डेली यहीं नाचता है वो डेली। अब मैं सोच रही थी एक दिन पास जाऊँगी तो वीडियो बनाऊँगी, तो देखिए घर से कितनी दूरी पे है। तो उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ कार्टन्स लगाने के लिए, और मैंने ना दो मतलब लगा रखे हैं, ये एक्स्ट्रा रखा था, मतलब एक्स्ट्रा तो नहीं है ये, मतलब मैंने निकाल दिया था, पता नहीं वॉश किया था तो मुझे याद नहीं रहा, और मैं लगा नहीं पाई, दो तो लगा दिए थे, तो हस्बैंड जी ही टांगते हैं ना, तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं ही लगा देती हूँ इसको, तो मैंने लगा दिया था। और एक कार्टन और था वो मिल नहीं रहा था, तो ढूंढूंगी कहाँ रखा है। उसके बाद देखिए झाड़ू भी लगा दी थी मैंने। फिर यहाँ देखिए कपड़े वगैरह सुखाने के लिए आ गई हूँ, कपड़े भी मेरे वॉश हो गए हैं, और कपड़े सुखाने के बाद ही है ना बस मैं सुखा ही रही थी, इतने में मेरा फ़ोन दोबारा से गिर गया था यहाँ पर। तो यहाँ बस देखिए, तो यहाँ पे मैं छत पे आ गई हूँ, और थोड़े से कपड़े ना मैंने टेरेस पे भी सुखाए हैं क्योंकि नीचे नहीं सूख रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़े से ऊपर भी सुखा देती हूँ। और यहाँ पे ना सच में बहुत ही अच्छे लग रहे थे फ्लावर्स मेरे को, देखिए नीचे तक मतलब लटकने लगे हैं ये, और ये ना मतलब बिना मेहनत के बिना खाद पानी के ये ऐसे ही हो जाते हैं, इनमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और मतलब बिल्कुल भी लो कॉस्ट में लग जाते हैं ये। ज़रा सी एक डंडी सी भी लगाओगे ना तो इतना सारा हो जाएगा, मैंने एक डंडी लगाई थी तसले में और ये इतनी सारी हो गई है। तो यहाँ देखिए मेरी काफ़ी प्लांट है ना, मैं उनके नाम भूल जाती हूँ, क्लैंचो मतलब अच्छे से हो गया, ये भी ख़राब हो गया था पर बरसात की वजह से अभी ठीक हो गया है, और ये गुड़हल है वो भी ख़राब हो गया था पर अभी ये फूटने लग गया है। सदाबहार और ये मतलब ये फ्लावर वाले फूल प्लांट्स तो मेरे पास बहुत ही सारे हैं, स्नेक प्लांट भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है, और मनी प्लांट लगाई थी यहाँ पर मैंने, ये भी अच्छे से हो रही है। बस मैंने है ना अभी क्या बोलते हैं दो गुड़हल लगाए थे और वो अभी तक फूटे नहीं हैं, पता नहीं फूटेंगे या नहीं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि मैं 120 के लेके आई थी, तो पता नहीं देखते हैं होंगे या नहीं। और ये चंपा का ही मैंने कटिंग से लगा दिया है, तो काफ़ी प्लांट मैंने कटिंग से ग्रो करे हैं यहाँ पर। सदाबहार भी मैंने कटिंग से लगाया है, एलोवेरा कटिंग से लगाया था, और मतलब काफ़ी हैं जो मैंने, पर्पल हार्ट एग भी मैंने कटिंग से लगाया है, और ये वाला प्लांट है इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ये भी मैंने कटिंग से लगाया था, और कटिंग और भी लगा दी है मैंने इसके अलग अलग, और ये साइडों से ना फूटने भी लग गया जो कटिंग करी थी मैंने। तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे प्लांट लगाने का बहुत शौक़ है, प्लांट मेरे काफ़ी मर भी गए हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा था, क्रोटन भी ख़राब हो गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ बस देखिए मैं आ गई हूँ नीचे, और नीचे भी मैंने ना कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं जो कि मैं अपनी वीडियो में शेयर करती रहती हूँ, तो नीचे वाले प्लांट्स बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैंने कटिंग लगा रखी थी, और मैंने ना उसकी भी गुलाब की कटिंग लगाई थी पर वो मेरी नहीं हुई है, तो यहाँ पर जेड प्लांट की कटिंग लगाई थी वो अच्छे से हो गई है, और ये जो ऊपर देख रहे थे ना आप चंपा का, ये भी मैंने कटिंग दो बना दी थी तो ये काफ़ी अच्छे से हो गया है। उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए, तो काफ़ी दिन के बाद फ्रेंड्स मैं क्लीनिंग वाली वीडियो लेके आ रही हूँ, तो प्लीज़ फुल वॉच करना और कमेंट में ज़रूर बताना। मैं हिम्मत हार जाती हूँ, डिमोटिवेट हो जाती हूँ उसके बाद पता नहीं कि ऑटोमेटिक फिर मन करने लगता है कि नहीं चलो कोई नहीं, इतनी मेहनत करी है जब यहाँ तक आए हैं तो नहीं छोड़ना नहीं है, लगे रहो, पता नहीं क्यों माइंड में बार बार मेरी यही बात आती रहती है, तो देखते हैं कब तक मैं लगी रहूँगी, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी। तो बस देखें यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई हूँ, और आज मैंने साड़ी वेयर करी है वाली, तो बहुत टाइम के बाद मैंने वाली साड़ी वेयर करी है, मुझे याद ही नहीं था इस साड़ी के बारे में, वो तो मुझे मतलब अचानक से मैं कुछ और ढूंढ रही थी और ये साड़ी मेरे हाथ लग गई, तो मैंने आज फिर यही वेयर कर ली है। और यहाँ पर ना मैंने बनाई है मसूर की दाल की खिचड़ी, साथ में पीसी है टमाटर और प्याज की चटनी, तो ये ना रेड वाली चटनी अच्छी लगती है उसके साथ में, और साबुत मिर्च भी डाली है मैंने इसमें। तो यहाँ बस देखिए मैंने चटनी वगैरह पीस ली है, और
यहाँ पे बस मेरा काम ख़त्म हो ही चुका है और बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं, तो उनके आने से पहले पहले फ्रेंड मैं बना लूँगी खिचड़ी। और ये ना बहुत ही अच्छी भी लगती है, टेस्टी भी लगती है, तो कमेंट में बताना किस किसने खाई है। तो अभी फ्रेंड्स मेरा खाना वगैरह बन चुका है और मैंने बनाई आज मसाले की। फ्रेंड्स खिचड़ी हो गई बन के रेडी और हल्की ना, मतलब मैंने ज़्यादा पानी वाली नहीं बनाई है, ये ऐसे ही बनती है। और यहाँ पे मैंने लिया लाल चटनी, टमाटर और प्याज की और साबुत मिर्च की बनाई है। तो चलिए अभी करते हैं लंच, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो इवनिंग का टाइम है फ्रेंड्स और मेरी चाय बन गई है, साथ में बिस्किट ले लेते हैं। तो चलिए अभी मैं दे देती हूँ हस्बैंड जी को और उसके बाद में। अभी फ्रेंड्स चाय वगैरह पी ली है हमने, तो हस्बैंड जी अब चले गए हैं और मैं यहाँ थोड़ा सा रेडी वगैरह हुई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ आज काफ़ी टाइम के बाद फ्रेंड्स मैंने वाली साड़ी वेयर करी है, तो दो चार रील्स वगैरह इस पर बना लेती हूँ और शॉर्ट वीडियो वगैरह देखती हूँ यूट्यूब पे। पर गर्मी है ना फ्रेंड्स, गर्मी की वजह से कुछ नहीं हो पाता और टेरेस वगैरह पे ही वीडियो सही बनती है, रूम में वगैरह में मुझे ठीक नहीं लगता शूटिंग करना, क्योंकि ना बैकग्राउंड अच्छा नहीं आता इसमें इसलिए। और अभी आपको पता है घर में मतलब ऐसे ही हो गया सीलन वगैरह की वजह से, तो इसलिए या तो मैं बाहर बनाती हूँ या छत पर जाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अभी चलेंगे छत पर टेरेस वगैरह पर, और आज की वीडियो का फ्रेंड्स फिर यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आज की मेरी वीडियो और मेरे मिनी व्लॉग, मेरे शॉर्ट वीडियो और मेरी रील्स वगैरह आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। और प्लीज़ आप सबका अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, आप सबके प्यार और सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सब अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे तो मैं भी आपके साथ जुड़ी रहूँगी और अच्छी अच्छी रील्स, वीडियो, ब्लॉग वगैरह लेके आती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।